नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फार्मा फैक्ट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विगोरा टैबलेट के बारे में। सिल्डेनाफिल सिट्रेट टैबलेट है, उसके बारे में वो कितने mg में आपको मिलती है, कितना mg आपको लेना चाहिए और कितनी बार लेना चाहिए, इन सब के बारे में पूरी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं विगोरा टैबलेट की। तो ये जो विगोरा टैबलेट है इसमें सिल्डेनाफिल नामक कंटेंट पाया जाता है जो कि आपकी ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज़ करता है, आपकी मसल्स को रिलैक्स करके आपके ब्लड फ्लो को तेज़ करने का काम ये सिल्डेनाफिल टैबलेट करती हैं। बात करते हैं सिल्डेनाफिल टैबलेट के उपयोग की। तो ये जो सिल्डेनाफिल टैबलेट है इसका उपयोग सेक्स संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करने के लिए ये जो विगोरा टैबलेट है इसका उपयोग किया जाता है। विगोरा टैबलेट है ये आपको मार्केट में 25 mg, 50 mg और 100 mg में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाती है। वैसे आपको डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको सभी मेडिकल स्टोर पे ये आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है। अब बात करते हैं इसको कितने टाइम पहले लेना चाहिए। तो ये जो विगोरा टैबलेट है इसको आपके कार्यक्रम से 1 घंटा पहले या 45 मिनट पहले लेने की सलाह दी जाती है आमतौर पर। अगर आपने कुछ हैवी फूड नहीं खाया, मतलब हैवी फैट वाला फूड खाया तो ये आपके ऊपर कम असर करती है। अगर आप नॉर्मल कम फैट वाला फूड खा रहे हो तो आपको ये 45 मिनट पहले लोगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सिल्डेनाफिल टैबलेट है इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे आपको चक्कर आ सकता है, कई बार क्या होता है कि आपको मतलब दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, और आपको वॉमिटिंग जैसी भी कुछ प्रॉब्लम कई बार आप फेस करने को मिल सकती है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या डेंजर्स है इसको लेने में। तो ये आपके जो ब्लड फ्लो की गति को बढ़ा देती है, तो जो हृदय के पेशेंट होते हैं या फिर जो BP के पेशेंट होते हैं उनको ये जो सिल्डेनाफिल टैबलेट है इसका उपयोग लेने से पहले अपने डॉक्टर को सभी समस्याओं के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ये ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में कई बार बहुत ही दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, तो दिक्कत करती है। ये जो हाई ब्लड प्रेशर वालों की दिक्कत होती है उनमें इसको नहीं लेना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो इसके क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो हाँ, इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं क्योंकि ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और मसल्स को रिलैक्स करती है। इसके कारण काफ़ी समय तक ये आपके जो रिजल्ट है उसको बढ़ा देती है। तो ये हुई विगोरा टैबलेट की बात। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।